हेलो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब मैं हूँ उषा सैनी और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो सब्सक्राइब कर लें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं भी आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो और ये देखिए दोस्तों आज मैं आपको अपना आकड़े का प्लांट दिखाऊंगी आग का पौधा भी बोलते हैं इसको आकड़ा मदार अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं लोग और मेरे पास दोनों हैं ये सफ़ेद भी और ये नीला भी ये देखिए सफ़ेद अभी इस पर ये बनने शुरू हो गई हैं कलियाँ फूल अभी इसमें खिले नहीं हैं और खिल जाएंगे और ये काफ़ी दवाइयों में भी काम आता है और ऐसा मानते हैं कि घर में लगाना बहुत अच्छा होता है और गणेश जी के आकार की इसकी जड़ बन जाती है जब ज़्यादा पुराना हो जाता है ऐसा इसके बारे में सुना है और ये मेरा तीन साल पुराना है अभी और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती दोस्तों इसको सिंपल अपना खाद पानी वही जो दूसरे पेड़ पौधों में डालते हैं इसमें भी डालते रहें और उसी से ये काफ़ी अच्छा चला हुआ है मेरा तो तीन साल पुराना है और इस मौसम में जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये एकदम से अब कलियों से भर गया और काफ़ी अच्छे फूल खिल गए इसमें तो ये देखिए आप देख सकते हैं कैसे फूल खिले हुए हैं नीले वाले पे शंकर भगवान जी पे चढ़ाए जाते हैं ये फूल ऐसा मानते हैं कि शंकर भगवान जी को ये बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं ये वाले फूल आंकड़े के और अभी जैसे शिवरात्रि थी जब भी चढ़ाए जाते हैं और सावन के महीने में भी शंकर भगवान पे ये फूल चढ़ाए जाते हैं और हर जगह मैंने देखा है दोस्तों मैं अपने गांव भी जाती हूँ तो लोगों के आंगन में ये पेड़ लगा होता है तो जब मैंने इसके बारे में जाना पूछा सबसे तो सभी ने यही कहा कि आंकड़े का पौधा घर में लगाना अच्छा होता है सफ़ेद आंकड़ा भी और ये नीला आंकड़ा भी ज़्यादा अच्छा मानते हैं सफ़ेद आंकड़ा और दवाइयाँ बनती हैं इनकी दोनों की ही और काफ़ी महत्व भी है इसका वास्तु के हिसाब से भी लोग इसको घर में रखते हैं और मैंने तो जब नर्सरी से लाई थी पेड़ पौधे तो तभी मैं ये सफ़ेद वाला लेकर आई थी और ये वाला जो मिट्टी आई थी नर्सरी से उसी में ही उग गया मेरे पास दोनों ही हैं तो मैंने दोनों ही रख लिए और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती आप भी रख सकते हैं इनको अपने पेड़ पौधों में गमलों में लगा सकते हैं फूलों की सुंदरता तो इनकी है ही है और अच्छा भी माना जाता है घर में लगाना और सोमवार के व्रत हम करते हैं जब तो शंकर भगवान पे ये फूल चढ़ा सकते हैं हम घर से ही अप तोड़ के और अब इनमें अगर थोड़ी सी गमलों में मैं थोड़ी सी खाद मिला दूँगी तो ये काफ़ी टाइम समय तक ये चलते रहेंगे फूल इसके आँख के और बहुत ज़्यादा केयर नहीं है ज, ज, जैसे दू दूसरे पेड़ पौधों में हम गमले में गुड़ाई वगैरह करते हैं इनकी भी करते रहें उसी से ये चल जाते हैं पानी भी बहुत ज़्यादा हमें इनमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर्दियों में तो ये बिल्कुल ये देखिए एकदम सिंगल इनकी डंडियाँ डंडियाँ ही नज़र आ रही थी और अब जैसे ही मौसम सा चेंज होना शुरू हुआ है तो एकदम ये भरना शुरू हो गया आ, कलियों से सफ़ेद वाला भी और ये भी और इसके फूल खिल गए पहले ही ये देखिए नीले वाले और शिवरात्रि पर जैसे मैंने तो अपने घर से ही तोड़ के भगवान जी को चढ़ा दिए थे और काफ़ी सुंदर लगता है पेड़ पौधों में रखा हुआ ये देखिए कैसे झालर सी बनी हुई है इनके फूलों की और दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में